हमीरपुर जिला के राधास्वामी चैरिटेबल अस्पताल भोडा को कोविड 19 सेकेंडरी अस्पताल बनाए जाने के चलते हजारों लोगों को इलाज के लिए समस्याएं पेश आ रही हैं, जिसके चलते अब ग्रामीणों ने सरकार से कोविड अस्पताल को शिफ्ट करके अस्पताल को आम जनता के लिए खोलने की मांग की है। इसी के चलते दर्जनों ग्रामीणों ने भोटा चैरिटेबल अस्पताल पहुंचकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर जिला प्रशासन से मांग की है कि कोविड अस्पताल में अब कम ही मरीजों को रखा जा रहा है, इसलिए स्थानीय लोगों के लिए अस्पताल को खोला जाए। जिला परिषद सदस्य पवन चंदेल ने बताया कि भोटा चैरिटेबल अस्पताल में कोविड 19 के मरीजों के दो मरीजों को शिफ्ट कर हमीरपुर के अन्य राधास्वामी संस्थानों में रखा जाए और आवश्यकता पड़ने पर संस्था के द्वारा हर सुविधा दी जाएगी, क्योंकि पिछले 5 महीनों से अस्पताल की ओपीडी बंद होने से मरीजों को समस्याएं पेश आ रही हैं। यहाँ पर जो ये भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल है राधा स्वामी का, यहाँ पर डिमांड ये है जनता की कि यहाँ पर जो है जो ओपीडी यहाँ पर 500 और 700 के लगभग प्रतिदिन यहाँ पर इस हॉस्पिटल में हुआ करती थी, लेकिन जब से ये कोविड 19 का ये सेंटर बनाया गया तो यहाँ पर दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ पर दो या तीन यहाँ पर वो मरीज हैं कोविड 19 के, लेकिन उसके बावजूद जो इनका ये सेंटर प्लेस है यहाँ पर, ये चारों दिशाओं में से 20-20 किलोमीटर का एरिया एक एक दिशा से लेते हैं, जो लोगों की सुविधा के लिए हॉस्पिटल लेता है, तो यहाँ का 80 किलोमीटर एरिया बनता है। 80 किलोमीटर का आगे जो है वो प्रतिदिन 500 और 700 के बीच में इनकी ओपीडी है, जो गरीब लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं। अब जब से ये 5 माह से ये सेंटर जो है राधा स्वामी वालों ने यहाँ पर ये हॉस्पिटल का दे रखा है, तो यहाँ पर वो लोग प्रभावित हो रहे हैं, आम जन प्रभावित हो रहा है। तो हमें भी बहुत सारे लोगों के फोन आते रहे प्रतिनिधि होने के नाते कि पवन जी वहाँ पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कृपया इस हॉस्पिटल को खुलवाइए, क्योंकि महंगे दामों पर जो है बाहर हम लोगों को इलाज करवाना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि इस वक्त विकट परिस्थितियाँ हैं। तो इसलिए ये जनता का जो क्षेत्र की जनता है उसकी ये डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी से व डीसी महोदय हमीरपुर जी से कि आप जो हैं इसको अन्यत्र जगह पर शिफ्ट करें। हमें यही मिला कि हमारी तुरंत प्रभाव से जो था वो डीसी महोदय से जो है इस बारे बैठक होगी, बस सरकार से भी बात होगी और इसको उन्होंने हमारी बात को जो है जायज माना कि आपकी मांग जो है वो जायज है जनहित में, और जनहित में ही ये मांग थी इसलिए मैं भी जनता के साथ खड़ा हूँ। तो यही बात उन्होंने आश्वासन दिया कि तुरंत प्रभाव से इसके बारे जो कार्रवाई करके संस्थान को व यहाँ का जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको अवगत करवा दिया जाएगा। साथ में मैंने उनसे ये भी डिमांड रखी है कि इस बारे जब भी बैठक हो तो जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे जिला परिषद के दायित्व मेरे पास इस क्षेत्र का है, प्रधान साहिबान है, उन लोगों को लेकर भी जो है डीसी साहिबान जो हैं वो बैठक करें ताकि वो पता चले कि उन लोगों को कहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, जहाँ पर उनको जो है उचित सुविधा जो है मिल सकती है। ये मैंने उनसे अनुरोध किया है। स्थानीय निवासी अशोक कुमार ने बताया कि लोगों ने स्थानीय विधायक से लेकर प्रशासन से भी अस्पताल में ओपीडी नहीं खुलने की बात को बताया है, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं हो सका है और अब आज लोगों ने अस्पताल के बाहर पहुंचकर प्रशासन और सरकार से ओपीडी खुलवाने की मांग की है। मुद्दा था आज हॉस्पिटल को खुलाने का। मैं 2-3 बार पहले भी हमने मुख्यमंत्री को भी मैंने लेटर दिया, वहाँ भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम डी साहब से मिले, स्थाई को जाके एक विज्ञापन लेकर, तो वहीं भी हमें वैसे ही कोई ये रिप्लाई नहीं मिली। तो आज हमने रखा था इसी के बारे में, इसको कि खोला जाए, आम जनता के लिए बड़ी बड़ी मुश्किल है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं सर, हमीरपुर और बिलासपुर के लोग आते हैं, ऊना के लोग आते हैं, गरीब जनता लगभग इसमें जो कार्ड बनते हैं, जो हमारे पर्ची सिस्टम बनता है, उसमें 4 लाख लोग हैं जो यहाँ सुविधा लेते हैं। तो इनकी वजह से मैं सभी लोगों की वजह से, गरीब आम लोगों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए हम जिला डीसी महोदय से भी हम मिले, उनसे भी हमने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि इसको अति शीघ्र खोला जाए और इस जो हमारा कोरोना का सेंटर बनाया गया कहीं और जगह इसको शिफ्ट। स्थानीय निवासी ने बताया कि अस्पताल को स्थानीय लोगों के लिए खोलने की मांग की जा रही है और यहाँ पर मौजूद दोनों मरीजों को हमीरपुर में राधा स्वामी के भवनों में शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों को हो रही परेशानियां दूर हो सकें। हम लोग सभी सांकेतिक हड़ताल के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि उस वक्त जब ये कोविड-19 बीमारी चली तो उस वक्त सरकार के पास भी ज़्यादा संसाधनीय सोच विचार नहीं था, तो उन्होंने एकदम यहाँ पे खोल दिया है सेंटर। अब हमारा ये है कि अब सरकार को भी पता चल चुका है यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं सिर्फ ऑक्सीजन की ही ज़रूरत है उनको, बाकी थर्ड स्टेज वाले जो है वो मंडी जा रहे हैं, सेकंड स्टेज के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की डॉक्टर जो हैं वो हमीरपुर से आते हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसको हमीरपुर में शिफ्ट करके
हमीरपुर में यदि ऑक्सीजन की कमी है तो हम उपलब्ध करा देंगे, संस्था को बोलेंगे या हम लोग कर देंगे, तो डॉक्टरों की भी जो है परेशानी दूर होगी और जनता की भी परेशानी दूर होगी। यही हमारा सरकार से अनुरोध है कि इसको हमीरपुर शिफ्ट किया जाए या किसी और अन्य जगह पर। उसके लिए यदि कोई सरकार को कोई सहायता चाहिए ऑक्सीजन की या कोई, तो हम संस्था से अपने आप लोग करके तैयार करके दे देंगे। SDM हमीरपुर चिरंजी लाल का कहना है कि COVID-19 महामारी के लिए कहीं पर भी व्यवस्था बहुत जरूरी है और लोगों की मांग पर OPD को खोलने को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है। प्रश्न सही और गलत की कोई उसमें बात नहीं, यहाँ पर जो हमारे पास, हमें ये जो COVID-19 की महामारी है इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। अभी तक ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम है। अगर इसमें मॉर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है या सिम्टोमेटिक पेशेंट ज़्यादा बढ़ जाते, तो हमें पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी ताकि उनको वहाँ पर उचित उपचार दिया जाए और उनको उनकी जान की बचाया जा सके। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला के भोटा चैरिटेबल अस्पताल को COVID-19 सेकेंडरी अस्पताल बनाया गया है और यहां पर कोरोना के मरीजों का उपचार किया गया है। भोटा चैरिटेबल अस्पताल में आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे के लोग अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में पहुंचते हैं और इसकी OPD प्रतिदिन 600 के करीब हो जाती है, लेकिन कोरोना सेकेंडरी अस्पताल बनाने के बाद लोग इस सुविधा से वंचित रह रहे हैं।